अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन ज़िया के कब्रिस्तान में, और आज हमारे साथ जो मौजूद हैं किसी तारीफ़ की कोई मोहताज नहीं। तो हमारे सामने इस वक्त मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद अली जहांगीरी साहब। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा वीडियो को। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता चलूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे जाकर SIMVLOGS व्लॉग लिखें और सब्सक्राइब के बटन को दबा दें। और मैं आपको बता चलूं, आज जो हमारा टॉपिक है वो है आदाब कब्र, और कब्रिस्तान में किस तरह दाखिल होना चाहिए इंसान को, और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कब्रिस्तान में दाखिल होने के बाद, और हम क्या क्या गलती को कर रहे होते हैं और क्या क्या गलतियों को हमें नहीं करना चाहिए। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा। चलिए आइए, मैं आपको मज़ीद वीडियो दिखाता हूँ। और मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे साथ कोई आम शख्स नहीं, जनाब मुफ्ती मोहम्मद अली जहांगीरी साहब हैं। तो चलिए आइए। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। उनका मंगता वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन ज़िया कब्रिस्तान में, और आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मुफ्ती मोहम्मद अली जहांगीरी साहब। तो आज हम आपको बताएंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कब्रिस्तान के आदाब, और कुछ सवालात है जो आपके सामने मैं शेयर करूँगा और आपके सामने बताऊँगा। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताया चलूँ कि इस वक्त जो मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद अली जहांगीरी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इस वक्त मौजूद हैं गुलशन ज़िया कब्रिस्तान में। तो कुछ चीज़ें, कुछ सवालात था मेरे लिए, तो मैं आपसे पूछूंगा। तो आइए बताते हैं किस क्या चीज़ है। तो सबसे पहले जो मेरा सवाल है कि कब्रिस्तान में आना कैसा और किस तरह हम आ सकते हैं कब्रिस्तान में। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कब्रिस्तान आना अकाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, मर्दों के लिए भी, ख़वातीन के लिए भी। एक हदीस शरीफ में अकाली सलाम ने इरशाद फरमाया, कुन तो नुहई तो कुम अन ज़ियारतिल कुबूरी फ़ज़ूरूहा। सरकार ने फरमाया कि मैंने तुम्हें कब्रों पे जाने से मना किया था, अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि कब्रिस्तान जाया करो। इसकी वजह भी हुजूर अली सलाम ने इरशाद फरमाई, उसकी वजह यह है कि जब बंदा कब्रिस्तान में हाज़िरी देता है तो उसको अपनी याद आती है कि मुझे भी इसी तरह मरकर एक दिन कब्र में जाना है। उसको अपनी तैयारी की फ़िक्र होती है, आख़रत की फ़िक्र होती है। फिक्र आखरत की वजह से कब्रिस्तान में हाज़िरी देना ये सुन्नत अमल है। तो चलिए आइए, कब्रिस्तान की कुछ नज़ारे दिखाता हूँ मैं, और जो इस वक्त शिकार है कब्रिस्तान किस किस चीज़ों से। तो चलिए आइए मुफ्ती साहब, और मज़ीद क्या क्या कहना चाहेंगे कब्रिस्तान के हवाले से। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपसे आइए मैं आपसे मुलाकात करता हूँ, सवालात करता हूँ। तमाशा नहीं है, अजल ने न किसरा ही छोड़ा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते हैं बिहारा। हर एक ले के क्या क्या न हसरत सिधारा, पड़ा यूं ही ठाठ सा
सारा जगा जी लगाने की दुनिया नहीं है। एक सवाल जो मेरे जहन में अक्सर बचपन से रहा है, तो मैं मुफ्ती साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि कब्र में जो डबलिंग करते हैं, मतलब कि अगर ये बाप का इंतकाल हो चुका था और उनको दफन कर दिया गया था एक कब्र में, फिर उनके बेटे का इंतकाल होता है तो वो उसी कब्र में उसको डाला जाता है, चले ये बात समझ में आती है। लेकिन मैंने देखा है नाज़रीन के अगर वालदा का इंतकाल हो गया था, उनको उस कब्र में दफना दिया गया था, लेकिन अगर किसी बेटे उसी उन्हीं के बेटे का अगर इंतकाल हो जाता है तो उसी कब्र में उसको दफना दिया जाता है। तो मेरा ये सवाल मुफ्ती साहब से कि ऐसा करना कैसा, मतलब क्या अगर माँ का इंतकाल उस कब्र में दफनाया गया था, माँ को उस कब्र में दफनाया गया था और उसी कब्र में बेटे को दफनाया गया, तो मुफ्ती साहब मैं हमारी आवाम को ये बता दें कि ऐसा करना कैसा रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा, ये वक्त की ज़रूरत है। हमारे इलाकों में कब्रिस्तान जो है वो छोटे पड़ गए हैं और बहुत आबादी बढ़ गई है, तो ये मसला समझ लीजिए, कब्र को उस वक्त तक नहीं ढाया जा सकता जब तक वो सलामत है, चाहे 20 साल हो जाए, 25 साल हो जाए। अब ये कब्रें जैसे नज़र आ रही हैं आपको, ये सलामत कब्रें हैं, ये टूटी हुई नहीं है, धसी नहीं है, बिल्कुल सही सलामत कब्र है, तो इस कब्र को तोड़ा नहीं जा सकता खुद से। हाँ, ये कोई देखभाल करने वाला ना हो, कब्र बैठ गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई, आसार मिट गया उसके, भले से 5 साल 10 साल बाद मिट गया आसार, तो उस पर खुदाई करके दूसरे मुर्दों को डाला जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ माशरे में क्या करते हैं, अपने रिश्तेदारों की कब्रें खोद देते हैं, वो सलामत होती है, बनी हुई होती है, फिर उसको खोद देते हैं, खोदने के बाद उसमें दूसरे मुर्दों की तदफीन करते हैं, ये शरण जायज़ नहीं है। कब्र खुद से धस जाए, ख़त्म हो जाए, कोई देखने वाला ना हो, तो फिर उसके ऊपर जो है दूसरी कब्र बनाई जा सकती है। और माँ की कब्र में बेटे को डालना कैसा है? नहीं, इसकी शरीयत कभी इजाज़त नहीं देती। कब्र मसला यही है कि अगर कब्र सलामत है तो उसको तोड़कर दूसरी कब्र नहीं बना सकते। हाँ, वो ख़त्म हो गई, भले से रिश्तेदार की थी, करीबी रिश्तेदार की थी, माँ की थी, बेटे की थी, अब उसमें रिश्तेदार को डाला गया तो फिर सही है, लेकिन कब्र सलामत थी तो उसको नहीं तोड़ा जाएगा। तो और मसला समझ लीजिए, जैसे अभी बारिशें होने वाली हैं और बहुत सारे अजीज़ों की कब्रें यहाँ पर होंगी, तो मैं गुजारिश करूँगा जो मेरी आवाज़ सुन रहा है वो अपने अजीज़ों के कब्रों पर ज़रूर आए और बारिश से पहले पहले उसकी मुरम्मत कर देना। कब्रों की मुरम्मत करनी चाहिए, उसको बना कर रखना चाहिए, उसकी हिफाजत करनी चाहिए, ये हमारा हक बनता है, हमारे अजीज़ों की कब्रें हैं। एक और कब्र के आदाब से रिलेटेड एक आध बातें हैं मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ। जब कब्रिस्तान में दाखिल हों तो सबसे पहले सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूरी, फिर उसके लिए बख्शिश की दुआ करें, यग़फिरुल्लाहु लना वलकुम, अल्लाह हमारी भी बख्शिश फरमाए और जितने मुसलमान मदफूनीन हैं यहाँ पर उन सब की अल्लाह पाक बख्शिश फरमाए। एक हदीस शरीफ में आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा कब्रिस्तान में जाकर सूरह यासीन की तिलावत करता है तो उस रोज़, जिस रोज़ उसने सूरह यासीन की तिलावत की, उस रोज़ पूरे कब्रिस्तान से अल्लाह पाक अज़ाब कब्र को हटा देता है, बड़ी फजीलत की बात है। एक और हदीस शरीफ में आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ज़ियारत किया करो कब्रिस्तान की, और उसमें मखसूस दिन भी बताए आका अलैहिस्सलाम ने, जुम्मे का दिन फरमाया, जुम्मे के दिन सुबह के वक्त कब्रों की ज़ियारत किया करो। जो औलाद अपने माँ बाप की कब्रों की ज़ियारत करता है उसके लिए बख्शिश की उम्मीद भी है कि अल्लाह ताला माँ बाप के सदके उस बच्चे की बख्शिश फरमाएगा, तो कब्रिस्तान आया करें, ज़ियारत किया करें, और इससे हमें अपनी इबरत भी हासिल होती है कि हमें भी इसी तरह एक दिन मरकर कब्र में चले जाना है, फ़िक्र आखरत के लिए कब्रिस्तान ज़रूर हाज़िर दिया करें। अच्छा, मैं देखता हूँ कब्रिस्तान में बहुत सारे लोग आते हैं तावीज़ात के हवाले से, तावीज़ वगैरह करते हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे, ये जो मतलब कि ब्लैक मैजिक जिसे कहते हैं इंग्लिश में, काला जादू वगैरह करने के हवाले से तावीज़ात वगैरह जो करते हैं, कब्र पर स्पेसिफिक बैठ कर इल्म वगैरह करते हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे मुफ्ती साहब? दो बातें हैं, एक तो है जादू करना और करवाना, ये सब हराम काम है, और वो तावीज़ात जिसमें कुरान मजीद की आयतें लिखी होती हैं बिस्मिल्लाह से उसकी इब्तिदा करते हैं, या हरूफ मुकत्तियात होते हैं, या फिर आयत कुरानी के जो वर्ड्स होते हैं अल्फाज में वर्ड में उनको लिखा जाता है, तो ये सारी चीज़ें अदब की होती हैं, इनको अदब की जगहों पर रख दिया जाए, कोई ऐसी जगह जहाँ लोगों के पाँव ना पड़ते हों वहाँ पर दफन कर दिया जाए या औराक में डाल दिया जाए, वो अदब की चीज़ें होती हैं। और जहाँ तक ताल्लुक़ है जो आपने कहा कब्रों पर बैठ कर ऐसे अमलियात करते हैं जिसके ज़रिए से लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, ये शरअन नाजायज़ है, हराम काम है, और अगर उसमें कुछ ऐसी बातें पढ़ी गईं, कुरान मजीद को उल्टा पढ़ा गया या कुरान मजीद की बेहरमती की गई, तो इससे जो है ईमान भी ज़ाया होने का अंदेशा है, ऐसे कामों से ख़ुद भी बचना चाहिए दोस्त। जी हाँ नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत
कहीं बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, थोड़ी बहुत नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को देखकर मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर लाल नहीं किया तो मेरी वीडियो की जो मेहनत है नाज़रीन वो रायगा जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखकर और वीडियो को देखने से लाइक शेयर देखकर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब के बटन को दबाना नहीं भूलिएगा। तो देखिए नाज़रीन, जो भी मेहनत है मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ। तो उम्मीद रहे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। तो जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, आपका इश्तियाक मंजूर, अल्लाह निगहबान। इबरत की जा है तमाशा नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है।